सहर बरकतों भरे इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये शौक शौक से भरपूर नन्हे रोजेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माहे फैजान माहे ईमान मोहब्बत है रमजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? अच्छे हैं ना? अच्छे ही हो गए है ना दुआ से। बाकी रोज़े कैसे जा रहे हैं आप कमेंट में नहीं बता रहे, और मेरी जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। मेरी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं शायरी में वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। देखिए अब ये पूरा शायरी का पसारा है, मैं उठ गई हूँ इसलिए अभी मैं पूरा ये सर साफ़ सफाई करूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैं पूरा काम शाम में है ना, इसलिए पूरा ये गैस टेबल धो के ले रही हूँ। ये देखो अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसलिए मेरी सफाई पूरी हो चुकी है ना, एकदम मस्त बर्तन वगैरह सब हो चुके सब। और ये देखिए बर्तन अब मैं ये सब लगाऊंगी क्योंकि रात में धोए वो बर्तन है, इसमें अब भी धोए वो है, सब इसमें लगा दूंगी अभी। देखिए अब डालूंगी, पूरा काम हो चुका है, अब डालूंगी कपड़े सूखने के लिए और फिर आपसे मिलती हूँ। चलो अब थोड़ा जा रही हूँ मैं नीचे, जाके आती कल से मैं मम्मी के घर पे नहीं गई हूँ इसलिए अभी जाके आती हूँ। अब मैं कर रही हूँ कपड़े घरे क्योंकि धो के सूख के हो चुके, धूप ही इतनी आ रही है, बाप रे क्या धूप है। एक डेढ़ घंटे में ही कपड़े सूख जा रहे हैं। ये देखो अभी मैं करूँगी पूरे कपड़े घड़ी और फिर लगेंगे इफ्तारी के तैयारी में। अभी आया है पाव वाला, सारे रुक जा रहे पाव लाने। ये देखिए अब भी आया है अपने नानी के घर से, आते ही गया खेलने। मैं जा रही हूँ फ्रूट लाने, फ्रूट वाले का बाजार है इसलिए दुकान में कुछ लेने के लिए अदरक वगैरह। ये देखिए आज मैं कुछ ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ, आज सिर्फ हम लोग लॉलीपॉप खाएंगे बस, फ्राई करूँगी और फिर मिलती हूँ। ये देखें चिकन फ्राई हो चुका है और हम लोग की छोटी सी थाली भी। ये हमारी सहेली आज चिकन फ्राई दो समोसे, ज़्यादा कुछ फ्राई नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी हो चुकी है और थोड़े से बर्तन है वो नमाज बाद में धोऊंगी। आप सब कैसे रोजे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है सब रोजे अच्छे से गए। मेरी तबीयत अच्छी नहीं इसलिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। ये देखिए रात से बहुत तबीयत ख़राब थी, हालत ख़राब हो गई, बैठे हॉस्पिटल में। देखिए कार्य हॉस्पिटल में ऐसे बैठे डॉक्टर की देख रहे हैं नंबर कभी आएगा। ये देखिए मुझको वीडियो करने नहीं मिला बाज़ार में, डॉक्टर के पास गई थी तो ये फ्रूट सब जितना लगता है उतना लेके आई, शरबत फ्रूट पाइन एप्पल एप्पल कलीगन चीकू केला। ये देखिए फ्रूट अभी अच्छे से धोऊंगी मैं और उसका बनाऊंगी फ्रूट चाट, दिखाऊंगी आपको। ये धोने के लिए सब निकाली हम लोग ने आज। ये देखिए आज बन रहा है फ्रूट चाट है ना, बहुत टेस्टी और बहुत खाने में अच्छा लगता है ये, और बच्चे बड़े बहुत शौक से रमज़ान में खाते। इसमें है केला मैंगो अनार
पेरू, चीकू, आपको जो पसंद है फ्रूट वो अंदर बारीक बारीक काट के रख देना। फिर इसमें डालेंगे, क्या क्या डालते हो आपको मैं दिखाती हूँ। मौसम्बी, संतरा, पाइनएप्पल, कलीगन, सब सब चीज़ डालो इसमें। देखिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुगर, है ना। अब डालेंगे चाट मसाला, ये देखिए, और अभी अच्छे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्रिज में रख के इसको ठंडा ठंडा बहुत अच्छी तरह से इफ्तारी के टाइम पे खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। करके देखो एक बार, कैसे सब अच्छे हैं ना। ये देखिए अब मैं बना रही हूँ मटन पुलाव, ठीक है, खाने के लिए रात में। यहाँ है मटन बॉईल हो रहा है और कांदा वगैरह पटाटा डाली हूँ मैंने, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए सब टूट, रोज़ आधे आधे ब्लॉग आ रहे हैं, रोज़ थोड़ा 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 कर रही हूँ। ये तबीयत सही नहीं है, बहुत ख़राब थी, मेरा हाथ बहुत दुख रहा था इसलिए आधे आधे ब्लॉग रोज़ थोड़ा 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 करके अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बाकी आप सब कैसे हैं? मैंने लगाई हूँ दुआ और सुन रही हूँ, ये देख के काबा शरीफ लगे, है ना। और सबकी शॉपिंग हो गई है क्या? रोज़े कैसे जा रहे हैं? और आप सब मेरा ब्लॉग देखते हैं इसलिए शुक्रिया, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो किसी दोस्तों के, और खुद तुम्हारे दोस्त लोग रहेंगे वहाँ शेयर करो मेरा ब्लॉग। ये देखिए पुलाव भी अपना हो चुका है, हुआ नहीं है अभी, चावल डालना बाकी है इसमें। तो इसको मैं थोड़ा ढक्कन रख दूँगी फिर बाद में। और ये देखो अभी थोड़े से बर्तन है वो भी धो दूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए मैं अभी खा रही हूँ थोड़ा सा लगड़ा और तीखा बटाटे, बज गए 8, और फिर आपसे मिलती हूँ। आप ये टाइम पे क्या करते हैं? अब हम लोग बैठ रहे खाना खाने के लिए, इफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं खाए, सिर्फ खजूर और फ्रूट पे रोज़ा छोड़े थे इसलिए अब बना, इसलिए मैंने बनाई मटन पुलाव। ये देखिए खाना, आ जाओ सब, बिस्मिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वगैरह हो चुका है, हम लोग खा रहे अभी कलीगन थोड़ा काट के, और ये कर रही है पढ़ाई रात के 11 बज गए ना। हाँ फिर थोड़ा टाइम के बाद हम लोग थोड़ा सो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा 3 दिन का ब्लॉग चल रहा है क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए डॉक्टर विक्टर के पास से जाके आ चुकी हूँ मैं। दुआ कीजिए, अल्लाह हाफिज़।